भाई पैदल नहीं चल जा रहा। अरे फिर जुगाड़ लाओ कुछ। चल कोई नहीं, लगाऊंगा जुगाड़। चल लो। चलो जनाब, कई दिन हो गए, गोज गरम हो। कोई नहीं, करेंगे। जनाब 500 का नोट आएगा। कर टांडी ना, देखता हूँ मैं। अग तो पुलिस ही है, क्या करे फिर? मेरे तो लग दो। अरनो करो, नीचे उतर के चल लो, मुझे देख खराब है। हाँ ठीक है, वो बात है, वो भी काम जरूरी है। कोई नहीं, करो काम। आता हूँ फिर मैं। आप काम करो, फोन कर दूंगा मैं। ठीक है, आऊंगा मैं। डैक चल रहा है। खराब हो रही जनाब यार। साइड में ला ले। जनाब खराब हो रही जनाब। खराब हो रही तो। कोई नहीं। जान दो जनाब। जनाब खराब हो रही है तो। खराब आया। खराब हो रही जनाब। इसके कागज दो। जनाब किक मार के दे लो। खराब हो रही है। खराब हो रही है तो रहने दो। काट होगी जनाब। काट होगी। काट होगी। कारवाई लागे चेपा। चल कोई और मुर्गा आगो ना पकड़े फिर। भाई बम तो आगे मार दो रहा है, पर बम का क्या कर रहा है?
यो है ना 10 बजे चले आ करते हैं, 10 बजे अपने घर पे लेकर डेगा तो 10:30 पे वो बैंक में पहुंच जाएगा, तो आधा घंटा तो हमने भी लगेगा जाने में, प्लानिंग करके जाने में तो हम 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर यो बैंक में 11 बजे लेकर डेगा, 11 बजे यो बैंक में है बहरा होगा, फिर जो से रोड पर है हम उसका वो नहीं लेंगे, किडनैप करेंगे हमने, उस रोड पर चढ़ेगा, फिर आगे हम उन्हें मिलेंगे, फिर हम उन्होंने किडनैप करके लेकर आना। भाई उसकी गर्ल को स्कॉर्ट नहीं पड़ेगी, यही तो खास बात है उसकी, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं आने, क्योंकि वो बंदा है ना उस साल में 2 बार बैंक में आवे, जो उसके लिए सिक्योरिटी आओगी लोगों ने बेर लगेगा, तो फिर इस खातर उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं आती। तुम्हारे पास 3 बम है, 3 है, तो ये 3 बम है, 1 बम तो हमने उसके मतलब कि छाती पे लगाना, 1 बम लगाना हमने गेट पे, 1 बम लगाना यहाँ क्योंकि हमारे कोई सबूत ना रहे, और 1 बम लगाना गेट पे जो पुलिस आने भी लगी भीतर बम पटक दिया, 1 बम उसके यहाँ लगाऊंगा, तो ये 3 बम है ये हमने लगाने। अपना कोई भी सबूत नहीं रहना चाहिए, तो फिर कल के लिए रेडी, चलो कल हाँ सर उसी केस के उसमें लगे हैं, कोई नहीं बता देंगे। हाँ सर कर तो रहे हैं उस केस को। हाँ कोई नहीं सर कर देंगे, आपको बोल दिया ना हो जाएगा केस भी, देख लेंगे। चलो ठीक है सर, मैं फोन रखता हूँ, मैं अभी कुछ काम हो गया, ठीक है सर बाद में कॉल करता हूँ सर। अभी तक सर उस केस का कुछ पता नहीं लगा, अभी तक पता नहीं चला उस केस का। नहीं सर। चलो कोई नहीं, निकालते हैं पता। सर ये वीडियो देखने एक बार। अच्छा ये तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, इस वीडियो को पता लग सकता है कहाँ से किस नंबर से आई है? यस सर। पता निकाल इस नंबर का, इस नंबर को ट्रेस कर जल्दी। सर लग गया इस वीडियो का पता? कहाँ से आई है? पास ही आई सर। मेरे नंबर पर लोकेशन सेंड कर जल्दी। कर रहा हूँ। हो गई सर। सर इसी कमरे की लोकेशन दिखा रहा है। सर बम। ओ बड़ी प्लानिंग है, तो डिफ्यूज कैसे करें इसको? मैं देखता हूँ सर। रुक, ये बहुत खतरनाक बम है, पीछे हो, ये बहुत खतरनाक बम हो सकता है। हो गया सर। हो गया डिफ्यूज। हो गया सर। चलो चलो सर ना, पर दो दो बम है, ये बहुत तकड़ी प्लानिंग है, मेरे को भी लग रहा था ये आम प्लानिंग नहीं है। इसको ध्यान से डिफ्यूज करो, थोड़ी ये आदमी तो मिल गया। सर आपने वहां पे रेड कट कर रहा था।
हाँ ये प्लानिंग आम नहीं है, ये बहुत तगड़ी प्लानिंग की गई है। ये भी होगा डिफ्यूज, ये अभी तक होश में नहीं आया। अभी तक आया नहीं सर, इसको इंजेक्शन वगैरह दिया, आ जाएगा ये होश में जल्दी। और कोई नहीं, ये देख बोर्ड पे कितनी अच्छी तरीके से समझ आ गया है, ये बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की गई है। ओ जब इनका मकसद इसको किडनैप करना था तो इन फोटो क्या मकसद है, कुछ तो गड़बड़ है। ओ अब समझ आया, बॉम्ब के अंदर 5 तारे होती है, इस बॉम्ब के अंदर 2 तारे हैं, तो इसका मतलब समझा, उनका मकसद कुछ और था, उनका मकसद था हमारा टाइम बर्बाद करना, समझा? मेरा पैसा। क्या? कैसा पैसा? कैसा पैसा? सर मैं कल बैंक गया था और वहां से मैंने 2 करोड़ रुपए निकलवाए थे, और रास्ते में मैं जब आ रहा था तो मुझे 3-4 गुंडे मिले और उन्हें पता नहीं क्या करा, मेरे पीछे से जोर से मारा। मेरे पास 2 करोड़ रुपए कहाँ से आए? सर वो ब्लैक मनी थी। ओ इसका मतलब उनका मकसद पैसा था, पैसा। भाई जब हमने चोरी करनी थी तो हमने इतना बड़ा प्लान क्यों बनाया, अरे बम क्यों लगाए? भाई बात तो ठीक कह रहे हो, जो हमने बम लगाए थे वे और बम भी नकली थे वे, इसका मकसद क्या है? भाई जो हमने वीडियो भेजी थी बनाकर उसकी पुलिस याद हो रहा है, उसका क्या मकसद था? हमने वीडियो ना भेजी पुलिस वाला बनाया गया, जो पुलिस हमने जाल बिछा रखा ना, पुलिस हमारे जाल में फंस जाए, क्योंकि पुलिस वहां आओगे, पुलिस बम में पड़ेंगे, मैं बम तो थे नकली, पुलिस सोचेंगे असली है, मैं उनमें उलझे रहे हैं, अरे मैं सबूत हम नहीं छोड़ कर रहे, क्योंकि हमने टाइम मिल जाए भागने का, इस खातर यो सारा जाल नू बछाएगा, यो सारा प्लान नू है। भाई मेरा सारी बात समझ में आ गई, जिस बंदे ने माता पीसे और बम दिए उसका क्या मकसद था और कौन है वो? भाई वो कौन है? वो आ गया। ये सारा प्लान मेरा था, जिस बंदे से आपने पैसे चुराए उसके पास ब्लैक मनी थी। अब पुलिस प्रशासन को मैं खुद संभाल लूंगा, आप जल्दी से जल्दी ये देश छोड़कर निकल जाए, ठीक है? जो सर आपका पैसा, जल्दी से जल्दी ये देश छोड़ के निकल जाए, आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो हेलो गाइस, गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस वीडियो में बहुत मेहनत लगी, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो में कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो का, और गाइस शेयर करो वीडियो और इन्जॉय करो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।